हेलो स्टूडेंट्स, यह न्यूटन लॉज ऑफ मोशन मींस एनएलएम का सेकंड लेसन है। इससे पहले हमने फर्स्ट लेसन में ऑलरेडी 10 प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिया है। जैसा कि हमने लास्ट लेसन में यह देखा था कि एक टेबल वाला क्वेश्चन आया था कि अगर टेबल के ऊपर कोई बॉडी मूव कर रही है एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, तो हमें नेट फोर्स बताना था। तो हमने यह देखा था कि उस बॉडी पे एक बार तो सोचने में ऐसा लगता है कि अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, और अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो होगा। लेकिन आप बाद में पता चला था कि वह नेट फोर्स हमें टेबल पर बताना है, और टेबल के ऊपर नेट फोर्स होगा वेट ऑफ दैट बॉडी। अब हम इस लेसन के अंदर करेंगे रॉकेट प्रोपल्शन पैराशूट प्रॉब्लम, या हम इसमें करेंगे वाटर बकेट प्रॉब्लम। मीन्स अगर कोई लिफ्ट के अंदर एक बकेट है और उस बकेट के अंदर होल कर दिया गया है, तुम्हें बताना होगा जो उसमें से वाटर बाहर निकल रहा है उसकी रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मीन्स वो जल्दी जल्दी निकलेगा या धीरे से निकलेगा। या हम इसके अंदर करेंगे माउंटेड बॉडी के ऊपर फोर्स, जैसे कि मान लीजिए कि कोई अगर कीरिंग या कोई एक ऑब्जेक्ट जो कि हमारी गाड़ी में लटका होता है, हम देखते हैं उसके ऊपर अगर गाड़ी में एक्सेलरेशन कुछ ए आ गया तो उसमें बताना होगा कि उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। या हम देखें कि अगर किसी एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और अगर वो इंक्लाइंड प्लेन ही मूव करने लग गया तो हमें बताना होगा कि क्या वो ऑब्जेक्ट उस पे पड़ा रहेगा या मूव करता रहेगा। तो इस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम देखेंगे। पहले कुछ प्रॉब्लम्स हम चेंज इन मास की वजह से जो फोर्स लगता है वो देखते हैं। आइए हम फर्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करें। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में कहा गया है ए पार्टिकल ऑफ मास 0.3 किलोग्राम इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स विद के इज इक्वल टू 15 न्यूटन पर मीटर। वट विल बी इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन इफ इट इज रिलीज फ्रॉम ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। क्वेश्चन में यह कहा गया है यदि एक पार्टिकल जिसका मास 0.3 किलोग्राम है उसके ऊपर एक कंटिन्यूसली फोर्स लग रहा है, और वो जो फोर्स है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, वो डिस्टेंस के साथ चेंज होता जा रहा है। मीन्स हर एक मीटर में 15 न्यूटन फोर्स इंक्रीज हो जाता है। तो हमें बताना है अगर ओरिजिन से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हम उस बॉडी को रिलीज करेंगे, मतलब फोर्स को लगाना बंद करेंगे, तो बताना है तब तक उस बॉडी के अंदर कितना एक्सेलरेशन आ चुका होगा। यह फोर ऑप्शन हमें गिवन है। आइए हम सॉल्यूशन को समझें। जैसा कि हमें गिवन है कि फोर्स इस रिलेशन से चेंज होता है एफ इज इक्वल टू के एक्स। यहां पर माइनस साइन के कोई खास महत्व नहीं है, क्योंकि माइनस साइन तब लेते हैं जब हम बॉडी के अंदर कुछ इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल फोर्स दे रखा होता, अदरवाइज इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ओरिजिन से अपोजिट साइड में जा रही है बॉडी। तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा 15 इंटू 0.2, क्योंकि यहां पर के की वैल्यू 15 थी और एक्स मतलब कि हमें जो डिस्टेंस दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखा है। 20 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.2। इसे सोल्व करेंगे यह बन जाएगा 3 न्यूटन। अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स की वैल्यू हमने अभी फाइंड की 3 न्यूटन, मास हमें गिवन था 0.3 किलोग्राम। इसे हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। आइए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम नंबर सेकंड। अ ब्लॉक ऑफ मेटल वेइंग 2 किलोग्राम इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन। इट इज स्ट्रक बाय ए जेट रिलीजिंग वाटर एट ए रेट ऑफ 1 किलोग्राम पर सेकंड एंड एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी। दीज फोर ऑप्शंस आर गिवन। इस प्रॉब्लम में कहा गया है यदि एक मेटल का ब्लॉक जिसका वेट 2 किलोग्राम है वो एक फ्रिक्शनलेस प्लेन के ऊपर रेस्ट पे रखा हुआ है, जैसे ही एक वाटर जेट उसको स्ट्राइक करता है तो वह ब्लॉक मूव करने लग जाता है। हम समझ सकते हैं जब वो वाटर जेट उसको स्ट्राइक करेगा तो वाटर जेट उस पर एक फोर्स लगाएगा, तो उस फोर्स की वजह से जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलरेशन हमें बताना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें वाटर जेट का रेट ऑफ चेंज ऑफ मास दे रखा है कि मतलब जो वाटर जेट है वो किस रेट ऑफ मास से मास को रिलीज करता है, वह हमें गिवन है 1 किलोग्राम पर सेकंड, और हमें वाटर जेट की स्पीड गिवन है 5 मीटर पर सेकंड। तो हमें बताना है कि उस ब्लॉक के अंदर इनिशियल एक्सेलरेशन कितना आएगा। यह चार ऑप्शन हमें गिवन है। आइए हम सॉल्यूशन को समझें। सबसे पहले हम फोर्स फाइंड करते हैं कि वो वाटर जेट उस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू dP बाई dt। पी इसमें मोमेंटम होता है, यह न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग है, और अगर P को हम मास इंटू वेलोसिटी लिखेंगे तो बन जाएगा d बाई dt ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी को बाहर ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हमारे पास आ जाता है F इज इक्वल टू dm बाई dt। U की वैल्यू हमें गिवन थी 5 मीटर पर सेकंड, dm बाई dt की वैल्यू हमें गिवन थी 1 किलोग्राम पर सेकंड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 न्यूटन। अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स की वैल्यू हमने फाइंड करी 5 न्यूटन, मास हमें गिवन था 2 किलोग्राम। इसे सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। आइए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर थर्ड में कहा गया है
ग्रेवल्स आर ड्रॉप्ड ऑन ए कन्वेयर बेल्ट एट ए रेट ऑफ 0.5 किलोग्राम पर सेकेंड. द एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड इन न्यूटन टू कीप द बेल्ट मूविंग एट 2 मीटर पर सेकेंड इज. क्वेश्चन में यह कहा गया है यदि एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर कुछ ग्रेवल्स मतलब कि पत्थर गिरे जाते हैं और उन पत्थर की जो उन ग्रेवल्स की जो रेट है वो है 0.5 किलोग्राम पर सेकेंड, मतलब कि एक सेकेंड में 0.5 किलोग्राम मास उन ग्रेवल्स का उस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर गिरता है. तो क्वेश्चन में हमें यह बताना है अगर उस बेल्ट को कांस्टेंट स्पीड के साथ चलना हो जो कि हमें 2 मीटर पर सेकेंड गिवन है तो हमें कितना एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड होगा. यह 4 ऑप्शन हमें गिवन है. आइए हम सोल्यूशन को समझें. जैसा कि हमें फोर्स का फॉर्मूला पता होता है एफ इज इक्वल टू यू डी एम बाई डी टी. यू यहाँ पे कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकेंड, यह हमें गिवन था. डीएम बाई डी टी मास जिस रेट से चेंज हो रहा है वो है 0.5 किलोग्राम पर सेकेंड. तो हम यहाँ डीएम बाई डी टी की वैल्यू 0.5 रखेंगे. इन्हें सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 1 न्यूटन. हैंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. आइए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं. प्रॉब्लम नंबर 4. अ पैराशूटिस्ट ऑफ वेट डब्ल्यू स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद हिज लेग्स फिक्स्ड एंड कम्स टू रेस्ट विद एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड 3g. फोर्स एक्सर्टेड ऑन हिम बाय ग्राउंड ड्यूरिंग लैंडिंग इज. क्वेश्चन में यह कहा गया है यदि एक पैराशूटिस्ट जिसका वेट W है वो ग्राउंड को स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करते ही एकदम से ऊपर की तरफ उस पे एक्सेलरेशन 3g लगता है. तो हमें बताना है कि उस पैराशूटिस्ट ने ग्राउंड के ऊपर कितना फोर्स लगाया होगा. आइए हम सोल्यूशन को समझें. जैसे ही वो पैराशूटिस्ट ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गिवन है कि उस पे नेट 3g अपवर्ड एक्सेलरेशन लगता है. मतलब कि हम समझ सकते हैं कि उस पे नेट अपवर्ड फोर्स 3 × mg लगेगा क्योंकि हम 3g को अगर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बन जाएगा नेट अपवर्ड फोर्स जो कि होगा 3 mg. फिर mg को हम W बोलते हैं मतलब कि वेट, तो यह बन जाएगा 3 × W. यह रिएक्शन ऑफर्ड बाय ग्राउंड है. तो हम कह सकते हैं उस पैराशूटिस्ट ने जो एक्शन किया होगा वो 3W किया होगा. तो इसका मतलब यह हुआ ग्राउंड के ऊपर नेट टोटल W प्लस 3W फोर्स लग रहा है क्योंकि W तो उसका वेट है ही ऑलरेडी जो डाउनवर्ड है प्लस में 3W उस पैराशूटिस्ट ने एक्शन किया. तो हमारा आंसर आ जाएगा 4W जो कि ऑप्शन नंबर D है. हैंस ऑप्शन D इज करेक्ट. आइए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं. प्रॉब्लम नंबर 5. इन अ रॉकेट ऑफ मास 1000 किलोग्राम फ्यूल इज कंज्यूम्ड एट ए रेट ऑफ 40 किलोग्राम पर सेकेंड. द वेलोसिटी ऑफ गैस इज इजेक्टेड फ्रॉम द रॉकेट इज 5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड. द थ्रस्ट ऑन द रॉकेट इज. क्वेश्चन में यह कह रखा है यदि एक रॉकेट जिसका मास 1000 किलोग्राम है यदि उसमें फ्यूल इस रेट से कंज्यूम होता है मींस 40 किलोग्राम पर सेकेंड, जिस वेलोसिटी से गैसेस रॉकेट से इजेक्ट होती है वह वेलोसिटी हमें गिवन है 5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड. तो हमें बताना है कि उस रॉकेट के ऊपर कितना थ्रस्ट लगेगा. यह 4 ऑप्शन हमें गिवन है. आइए हम सोल्यूशन को समझें. जैसा कि हम समझ सकते हैं कि मास इसमें चेंज होता जा रहा है तो मीन्स जो गैसेस जो एक्शन करेंगी वो होंगी UdM/dt. यहाँ पर DM/dt की वैल्यू हमें गिवन है 40 किलोग्राम पर सेकेंड. U की वैल्यू हमें गिवन है 5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड क्योंकि यह जो एक्शन गैसेस करेंगी उतना ही थ्रस्ट रॉकेट पे लगेगा. तो थ्रस्ट आ जाएगा F = UdM/dt. हम इन्हें वैल्यूज को पुट करके सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 × 10⁶ न्यूटन. आइए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं. प्रॉब्लम नंबर 6. अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 250 ग्राम कोलाइड्स विद अ बैट विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड रिटर्न्स विद द सेम वेलोसिटी विद इन 0.01 सेकेंड. द फोर्स एक्टेड ऑन बैट इज. मीन्स यदि एक क्रिकेट बॉल जिसका मास 250 ग्राम है वो बैट को स्ट्राइक करके सेम वेलोसिटी से रिटर्न बैक हो जाती है और हमें वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड. ऐसा करने में यदि 0.01 सेकेंड लगे तो हमें बताना है कि उस बैट के ऊपर नेट कितना फोर्स एक्ट होगा. आइए हम सोल्यूशन को समझें. जैसा कि फोर्स का फॉर्मूला होता है F = dP/dt. अगर मास कांस्टेंट हो तो बन जाता है F = mdV/dt क्योंकि P को हम मास इनटू वेलोसिटी बोलते हैं. तो हमारे पास आ जाएगा F = mdV/dt यह फॉर्मूला. अदरवाइज हम यह भी समझ सकते हैं फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन होता है dV/dt. इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा F = mdV/dt. हमें चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम की वैल्यू गिवन है मतलब कि वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन में टाइम टेकन. यह हमें टोटल सारी चीजें गिवन थी. इन्हें सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 25 × 20 जो कि होगा 500 न्यूटन. हैंस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. आइए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं. प्रॉब्लम नंबर 7. इफ रोप ऑफ लिफ्ट ब्रेक सडनली द टेंशन एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑफ लिफ्ट. यदि एक लिफ्ट की रोप सडनली ब्रेक हो जाती है तो हमें बताना है कि उन रोप्स के अंदर
कितना टेंशन आ रहा होगा। यह चार ऑप्शन हमें गिवन है। आइए हम सॉल्यूशन को समझते हैं। यदि लिफ्ट की रोप सडनली ब्रेक हो जाएगी तो वह लिफ्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से फॉल करेगी या फ्री फॉल का केस बन जाएगा, और हमें पता है उसका जो एपरेंट वेट होगा वो जीरो हो जाएगा, मीन्स उस रोप को कोई भी वेट फील नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं जो टेंशन है वो जीरो हो जाएगी। जैसा कि हमें पता है एपरेंट वेट का फॉर्मूला होता है एम इंटू जी माइनस ए, अगर हम ए की जगह जी ही रख देंगे तो यह बन जाएगा जीरो। सो एपरेंट वेट जीरो होगा तो हम कहेंगे जो टेंशन होगी वो भी जीरो होगी, हैंस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8। इफ इन अ स्टेशनरी लिफ्ट ए मैन इज स्टैंडिंग विद ए बकेट फुल ऑफ वॉटर हैविंग ए होल एट इट्स बॉटम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉटर थ्रू दिस होल इज आर नॉट। इफ द लिफ्ट स्टार्ट्स टू मूव अप एंड डाउन विद सेम एक्सेलरेशन एंड देन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉटर आर आर यू एंड आर डी देन। इस क्वेश्चन में यह कहा गया है यदि एक मैन एक स्टेशनरी लिफ्ट के अंदर एक बकेट के साथ खड़ा है, उस बकेट के अंदर यदि होल कर दिया जाए तो उस बकेट में से आर नॉट स्पीड से वॉटर बाहर निकलता है। क्वेश्चन में यह पूछा गया है यदि वह लिफ्ट ऊपर या नीचे मूव करना स्टार्ट कर देगी सेम एक्सेलरेशन से तो हमें बताना है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या होगा। अपवर्ड के टाइम आर यू दे रखा है और डाउनवर्ड के टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर आर डी दे रखा है, तो हमें रिलेशन बताना है कि सबसे ज्यादा रेट कब होगा या सबसे कम कब होगा, या यह चार ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन को चूज करना है। आइए हम सॉल्यूशन को समझें। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो या हम कहें स्पीड ऑफ दैट वाटर वो डिपेंड करेगा किस नेट डाउनवर्ड फोर्स से उस वाटर को अट्रैक्ट किया जा रहा है, मतलब कि एपरेंट वेट पे डिपेंड करेगा जो कि स्टेशनरी लिफ्ट के केस में mg होता है, और जब लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही होगी तो उस पर फोर्स लग रहा होगा mg प्लस a, और जब लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही होगी तो उस पर नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा mg माइनस a। तो हम समझ सकते हैं कि यह वैल्यू, मतलब जब लिफ्ट अपवर्ड जा रही थी तो जो फोर्स जिस फोर्स से उसको अर्थ अट्रैक्ट कर रही थी वो फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टेशनरी लिफ्ट, और यह फोर्स कम है एज कंपेयर टू स्टेशनरी लिफ्ट, इसलिए हम कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 9। अ प्लंब लाइन इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग ऑफ कार मूविंग विद हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ ए, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद वर्टिकल। यदि एक प्लंब लाइन, यह एक कोई वर्टिकल लाइन होती है जो कि सस्पेंडेड है सीलिंग ऑफ कार, कार की छत से यह लटकी हुई है, अगर कार के अंदर एक्सेलरेशन ए है तो हमें बताना है इस प्लंब लाइन का वर्टिकल के साथ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा। यह फोर ऑप्शन हमें गिवन है। पहले हम इस प्रॉब्लम को विजुलाइज करते हैं। जैसा कि हम समझ सकते हैं जब कार ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगी तो यह जो प्लंब लाइन है यह बैकवर्ड मूव कर जाएगी, तो हमें यह थीटा एंगल फाइंड करना है। आइए हम सॉल्यूशन को समझें। व्हेन कार मूव्स टुवर्ड राइट विद एक्सेलरेशन ए देन ड्यू टू स्यूडो फोर्स द प्लंब लाइन विल टिल्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा। अगर एक्सेलरेशन ए से कार आगे जाएगी तो प्लंब लाइन एक स्यूडो फोर्स की वजह से बैकवर्ड मूव करेगी और यह थीटा एंगल बना रही है, तो हम इस फिगर की हेल्प से थीटा को समझ सकते हैं। थीटा होगा ए बाय जी, मतलब कि वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर हम देखें वर्टिकल के साथ एंगल देख रहे हैं तो इस केस में वर्टिकल कंपोनेंट ए होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इस लाइन के साथ है या अलोंग द लाइन है वो होगा जी। तो इससे हमारे पास टेंजेंट थीटा आ जाएगा ए बाय जी, यहां से थीटा देखेंगे तो आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ए बाय जी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट।